नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत भारती और मेरे साथ हैं अनुपम। नमस्कार। आज हम लोग सुबह 8 बजे के बाद जो जो हुआ है महाराष्ट्र चुनावी दंगल में एक तरह से, तो उसी पे चर्चा करेंगे और थोड़ा बैकग्राउंड भी देंगे कि क्या हुआ है और पीठ पीछे किसने किसको छुरा घोंप दिया, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। संजय राउत ने मराठी में कहा कि रात में व्यभिचार हुआ है, व्यभिचार का पता नहीं उनको मतलब भी पता है कि नहीं, तो इस तरह की बातें हुई अभी तक। और हमने महाराष्ट्र पे इससे पहले भी एक वीडियो किया था, तो उसी श्रृंखला में जो है न्यूज़ रूम से हम आपके लिए दोबारा लेके आए हैं कि इस पूरे मसले पे आपकी समझ जो है और बेहतर हो सके। हम आपके पास तथ्य और आंकड़े और थोड़ा सा विश्लेषण लेके आए हैं। तो अनुपम, पूरा सुबह 8 बजे से जो हुआ है और उसके पहले थोड़ा, जैसे 5:47 पे राष्ट्रपति शासन जो है रिमूव होता है एकदम तड़के सुबह 5:47 में, जब शायद अधिकतर लोग सो रहे होंगे, नेता तो नहीं सोते हैं ऐसे मौक़ों पे, और स्टूडियोज़ में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8-10 बजे तक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जो है गठबंधन जो वो सरकार फॉर्म। इसलिए आज शनिवार को भी आपको सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल के जो प्राइम टाइम एंकर्स हैं वो आपको स्टूडियो में बैठे हुए मिले होंगे, तो उस पर कुछ बताओ कि 8 बजे से जो घटनाक्रम हुआ है, इनफैक्ट 5:47 से जो हुआ है, तो उस पर उसमें क्या क्या हुआ है। असल में 5:47 से नहीं, ये इसकी पटकथा कल रात से ही लिखनी शुरू हो गई थी। कब से लिखनी शुरू हो गई थी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी ताज़ा जहाँ तक पता चला है, क्योंकि संजय राउत ने बोला कि कल रात को जो मीटिंग हुई है इनकी, एनसीपी की, कांग्रेस की और शिवसेना की, इस मीटिंग को अजीत पवार ने अटेंड किया था और अजीत पवार उस बैठक में शामिल थे और वो उद्धव ठाकरे को सीएम बनने पर वहाँ सहमति बन गई थी, क्योंकि शरद पवार ने बाहर निकल कर कहा कि सीएम तो उद्धव ठाकरे बनेंगे ही, बाकी मुद्दों पर देखना पड़ेगा से क्या होगा। और आज संजय राउत ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि अजीत पवार थोड़े अजीब से लग रहे थे उस बैठक में, अजीत पवार का चेहरा, वो नज़रें किसी से नहीं मिला पा रहे थे, और कहा कि अजीत पवार का पता थोड़ा सा चल रहा था कि वो कुछ ना कुछ अलग सोच रहे हैं। तो कल शाम से ही अजीत पवार में ये चेंज दिखना शुरू हो गया था और आज सुबह सीधा उन्होंने, उनके पास जो समर्थन का पत्र था विधायकों का, वो लेकर गए और फडणवीस ने राज्यपाल के पास जाकर दावा पेश किया और उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह का मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार पूरी तरह से बन गई है, इनको राज्यपाल ने समय दिया होगा या समय देंगे कि मेजोरिटी प्रूफ करने का, ये लोग वहाँ पे बहुमत साबित करेंगे और उसके बाद सरकार बनेगी जैसा कि नियम है। थोड़ा अगर बैकग्राउंडर दे दूँ कि क्या हुआ था, तो पिछले महीने की 24 तारीख को परिणाम आए थे और 21 को चुनाव खत्म हुए थे, और चुनाव से पहले शिवसेना और भाजपा एक गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ी थी, और इनफैक्ट शिवसेना ने ज़्यादा सीटों पर लड़ने की मांग की थी चूँकि गठबंधन में थे, इसलिए तो उन्होंने, भाजपा ने ट्रेडिशनली जितने सीट पर वो लड़ती थी तो उससे कम सीटों पर उन्होंने कंटेस्ट किया। और उसके बाद आप देखिए कि मैं यहाँ पे ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो होती है, ये हमारे डेमोक्रेसी का एक फ्लॉ है कि आप गठबंधन प्री पोल जब करते हैं तो आप एक पार्टी के तौर पे लड़ रहे हैं, आपके मुद्दे सारे एक हो जाते हैं, आपका नेता एक था, मोदी के नाम पे आपने चुनाव लड़ा है लोकसभा वाला, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम पे आपने उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के नाम पे नहीं लड़ा। और फिर क्या होता है कि ऐसे मौक़ों पर जब आप कम्प्लीटली, आपके जो डायमेट्रिकली अपोजिट ऑफ द स्पेक्ट्रम है आइडियोलॉजिकली और मुद्दों के भी रूप में, आपने आरोप प्रत्यारोप किए, चाहे एनसीपी पे फेंके, कांग्रेस पे फेंके, आपने ये सारा काम साथ मिलके किया, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि आप अड़ जाते हैं एक बात को लेके कि नहीं, हमारा सीएम बने, पहले बेटे को आगे किया, उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं, ये तेजस्वी यादव टाइप का ना फियास्को हो जाए, तो फिर खुद को प्रोजेक्ट करने लगे सीएमशिप के। आपकी बातें एक तरह से सही भी साबित हो गई, जो आपने कहा था कि बहुमत गठबंधन बनाकर लड़ते हैं, बहुमत आने के बाद भी धोखा दिया। अब देखिए उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र में बात यह है कि वहाँ पे जब भी किसी को कुछ
दिक्कतें आती है, तो छत्रपति शिवाजी का उन्हें नाम याद आता है। तो आज भी उद्धव ठाकरे यही कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने देखो उनके पीठ पे किसी ने वार किया था, उन्होंने उसके साथ क्या किया। और उद्धव ठाकरे इस समय खुद का भूल जाते हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम में से अब बीजेपी ऊपर उठ गई है, अब ये लोग ईवीएम के से भी अगले लेवल का खेल कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने साथ ही कहा चुनाव की जरूरत ही क्या है, अब तो चुनाव की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही सरकार बना ले रहे हैं। तो गठबंधन को बहुमत तो मिला था और फिर सरकार बनाने का आपके पास मौका भी था। मतलब ये सारा ज्ञान तब आता है जब आप आपका सब कुछ स्टेक पे आपने रख दिया। हाँ। आपने अपनी आइडियोलॉजी को चूल्हे पे रख दिया, आपने जो है पूरा आपके पिता की पूरी राजनीति जो थी हाँ। पूरा हिंदुत्व को लेके ही था। और शिवसेना में बाला ठाकरे को पावर जरूर चाहिए था, लेकिन वो इस तरह से सत्ता लोलुपता उन्होंने सत्ता कभी नहीं दिखाया कि मैं सीएम बन जाऊं। वो चाहते तो शायद बन भी जाते, बन जाते हाँ। उनका इस तरह का स्ट्रक्चर था कि हो सकता है वो अगर चाहते, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं चाहा। उन्होंने दो सीएम रिमोट कंट्रोल से चलाया, नारायण राणे और मनोहर जोशी। हाँ। मातोश्री से चलाया, लेकिन वो खुद सीएम नहीं बने। हाँ। तो ये होता है असली एक तरह से पावर को एक्सरसाइज करना। लेकिन यही पे है कि बेटा पहले तो राज ठाकरे पार्टी के बनने वाले थे चीफ, उसको एक तरह से हटाया। उसके बाद उद्धव जो है, उद्धव को आप देखते जाइए कि साइलेंट एक तरह से थे, उनको फिर पावर मिलती है। और उसके बाद अब इनको लगता है कि नहीं, 2003 में उन्हें एक पद क्रिएट किया गया शिवसेना में कार्यकारी अध्यक्ष, जो कि पहले नहीं हुआ करता, तो वो पद क्रिएट करके उस पर उद्धव को बिठाया गया था 2003 में ही। उसके बाद अब इन्हें लगा कि मैं राइट्स असर्ट कर सकता हूँ, मात्र 50, 54 या 56 जो भी MLA हैं उसके ऊपर, जो कि अब्सर्ड है एक तरह से। इनका मूड तभी से दिखने लगा था जब चुनाव परिणाम के तुरंत बाद एक पत्रकार ने इनसे पूछा था कि आदित्य बनेंगे सीएम, तो उस समय ये लोग गठबंधन में थे, उस समय कुछ अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन तब भी उद्धव कहते हैं आपके मुंह में घी शक है, यानी आप गठबंधन के खिलाफ बयान देना तभी से आपने शुरू कर दिया था। और अब बात करते हैं पवार फैमिली से, फैमिली की, कि अजीत पवार के, अजीत पवार जो है वो भतीजे हैं शरद पवार के, और MLAs के वो अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी अफेयर्स या कमेटी जो भी है उसके चेयरमैन थे। मतलब टेक्निकली वो थे कॉलिंग द शॉट्स वाले पोजीशन में, भले मतलब शरद पवार जो है पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो मुखिया हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो सारा चल रहा था उनका सारा जिम्मा जो है अजीत पवार के पास था। अब कहानियाँ किस किस तरह की चल रही है वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। बात चली कि शाम में ये लोग, सुबह में संजय राउत बताते हैं कि हमारे साथ जो मीटिंग इनकी हुई उसमें ये नजरें बचा रहे थे और बॉडी अलग से दिख रहे, बॉडी लैंग्वेज के बारे में संजय राउत बात कर रहे थे कि हमें तो तभी लग गया था कि इसके मन में कुछ गेम चल। उसके बाद और भी मीडिया में बातें आई कि ये रात में छगन भुजबल और शरद पवार के साथ इनकी मीटिंग हुई, वहाँ पर अजीत पवार ने ये प्रपोज किया कि विधायक जो है वो चाहते हैं कि वो भाजपा के साथ जाएं। और आप एक तरह से ये भी देखिए कि दोनों जगह अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद मिल रहा है, कुछ मंत्रालय मिल रहे होंगे, लेकिन अजीत पवार के पास के ऊपर जो है वो तरह तरह के भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, वो बात अलग है, लेकिन है वो शरद पवार पे भी है और अजीत पवार पे भी है। और ये जो बैंक कोऑपरेटिव बैंक वाला है उसमें शरद पवार भी थे बोर्ड में और उसमें अजीत पवार भी थे, तो ये अपने चाचा के साथ उन सब। हाँ। तो संजय राउत ने भी अब ये बोला है कि अगर फडणवीस के साथ वो नहीं जाते तो शायद वो आर्थर जेल में होते, इस तरह की बातें भी उन्होंने की है। तो कहा जा रहा है कि शाम में ही इन्होंने क्लियर कर दिया था शरद पवार को कि हम लोग जो है उस पार्टी के साथ जाएंगे जो सेंटर में भी सरकार में है और यहाँ पे भी है, वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। शरद पवार उस वक्त गुस्सा हो गए थे, ये सारी बातें जो है ये मीडिया में फैली हैं, सूत्रों के हवाले से चल रही है। अजीत पवार ने एक और, मतलब एक और बात जो घूम रही है, उन्होंने उनके पास इनके सारे विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ है, एक सादे कागज पर सिग्नेचर करते हैं, उसके ऊपर लेटर अटैच किया जाता है किसको आप सहमति दे रहे हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं। ये लेटर था और एक तरह से वही टेक्निकली वो चीफ थे, चीफ तो थे। उनको जो है ये पावर एक्सरसाइज करना, अजीत पवार विधायक बारामती जो शरद पवार का गढ़ है, तो वहाँ से सांसद होती है सुप्रिया सूले और वहाँ से विधायक बनते हैं ये अजीत पवार, तो ये विधायक दल के नेता थे। अब क्या होता है कि इनके पास वो शीट थी, मतलब किस तरह की कहानियाँ घूम रहे मैं उस पर आप जो बात बोल रहे हैं वही बात नवाब मलिक ने भी कहा है। नवाब मलिक NCP मुंबई के अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास वो सीट थी जिसपे वो सारे विधायकों के हस्ताक्षर थे और वो सीट का उन्होंने मिसयूज किया, ऐसा उन्होंने कहा है।
मतलब वो जाना था, समर्थन पत्र था उसके ऊपर लगा के और जाना था कांग्रेस और शिवसेना वाले गठबंधन में, लेकिन रातों रात इन्होंने उस सीट को रिमूव करके नया सीट लगा के और गवर्नर को जाके कह दिया, और गवर्नर ने कहा कि ठीक है ये आदमी टेक्निकली चीफ है तो एक्सरसाइज कर सकता है पावर को। उसके बाद फिर 5:47 पे जो राष्ट्रपति शासन आज सुबह में रिमूव होता है, 8:05 के लगभग में दोनों शपथ ग्रहण करते हैं। अब अनुपम ये बताओ कि भाजपा ने किस तरह से, मतलब इसको कैसे देखते हो कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार जो है सारे पत्ते नहीं खोलते, और किसी ने कहा था कि 100 जन्म लेने पड़ेंगे तभी आप पवार को नहीं समझ, उनके गेम के बारे में बताओ और भाजपा ने कैसे ये किया पूरा। हाँ, असल में आप देखेंगे तो संजय राउत ने भी ऐसा कहा था कि शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा, और नवाब मलिक कल जो NCP के प्रवक्ता है उनका बयान आया था कि पवार ने चाणक्य को पटखनी दे दी है। तो कल ये बयान काफ़ी मीडिया में चल रहा था कि हर जगह सरकार बना तो लेते हैं अमित शाह, लेकिन महाराष्ट्र में चूक गए। और क्यों चूक गए? क्योंकि शरद पवार उनके आड़े आ गए। तो भाजपा ने इसे काफ़ी सही तरीके से, भाजपा ने जो इंतजार करने की रणनीति अपनाई है काफ़ी सही रही, क्योंकि शिवसेना के जो वोटर थे जो हिंदुत्व के कारण शिवसेना को वोट देते थे, वो अभी क्या सोच रहे होंगे, या कल को अगर चुनाव हो जाते हैं या मध्यावधि चुनाव ही हो जाता है तो उनका झुकाव किस तरफ होगा, ये अब जानने वाली बात है। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात तो ये कि भाजपा ने इंतजार करके एकदम से सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया और सबको मौका दिया, NCP को मौका दिया और उसके बाद शिवसेना को मौका दिया गया राज्यपाल द्वारा, और सभी सरकार बनाने में फेल साबित हुए, तब राष्ट्रपति शासन लगा। यहीं पे और ये कहना चाहूंगा कि मौका किस चीज का दिया, मौका दिया एक्सपोज करने का अपने आप, एक्सपोज करने, ये लोग जनता के सामने नग्न हो गए, इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल अब बचा नहीं है, और इसमें कांग्रेस थोड़ी थोड़ी बचती नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस अगर ये लोग गठबंधन कर देते, और इनफैक्ट संजय राउत अभी भी दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है उन्हीं की बनेगी, मतलब खुद शरद पवार ये दावा कर रहे हैं। शरद पवार के साथ एक विधायक थे राजेंद्र नाम है उनका, तो उन्होंने कहा कि हम लोग 3 विधायक थे, शरद पवार अभी तक 3 विधायक ही दिखा पाए हैं अपने साथ, तो वो 3 विधायक उनके साथ थे, और संजय राउत का भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। राउत अजीत पवार के बारे में कुछ बुरा बोले भी तो कैसे बोले, शरद पवार के भतीजे हैं और शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो कहा कि उद्धव को ब्लैकमेल किया गया है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके बाद उनका टोन और एग्रेसिव हुआ, उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे किडनैप करके ले गए हैं विधायकों को गाड़ी में बैठा कर, और ये किडनैपिंग हुई है। 5 को ले गए थे उनमें 3 वापस आ गए, और कह रहे हैं संजय राउत के अजीत पवार भी जो है वापस आ जाएंगे शाम तक। इस तरह की बातें हो रही है। शिवसेना का फ्यूचर कैसे देखते हो, उद्धव ठाकरे ने जो किया है पूरा आइडियोलॉजी को लेके उनका फ्यूचर, और इन्होंने मतलब आगे भी चुनाव होंगे ना, अभी अभी मान लो कि BMC के चुनाव होंगे, ये सब सारे लोकल चुनाव होते हैं जिसमें शिवसेना की ठीक ठाक मतलब पैट है, तो वहाँ पे ये लोग कैसे, और फिर मतलब कितना डैमेज इनका हो चुका है। अभी मेयर भी जो बना ये शिवसेना का ही है, और NCP के भी जो लोग अभी आए हैं जीत कर इसमें निगम में, उन्होंने भी शिवसेना को ही समर्थन दिया है। तो एक तरह से महाराष्ट्र की जनता ने एक आयरनी ये देखा कि जो सबसे बड़ी पार्टी हमने जिसको बनाया है, पहला तो ये देखा कि हमने जिसे बहुमत बनाया, जिस गठबंधन को बहुमत दिया वो सरकार नहीं बना पाई, और फिर दूसरी बात ये कि जो पार्टी सबसे बड़ी है वो सरकार नहीं बना पाई, और उस पार्टी के अलावा उसके आधे सीटों वाली बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी सरकार बनाने के लिए खेल कर रही है। तो महाराष्ट्र की जनता ये समझ गई, सावरकर को लेकर शिवसेना का स्टैंड समझ गई कि बदल सकता है, बदल गया है, हिंदुत्व को लेकर स्टैंड समझ गई, मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे पर इनका स्टैंड बदल गया, जो कि जिस बारे में तो बाल ठाकरे एकदम स्ट्रिक्ट थे, तो ये तीनों मुद्दों पर मुस्लिमों को आरक्षण, हिंदुत्व और सावरकर, शिवसेना के स्टैंड को पब्लिक ने देख लिया है। तो अगले चुनाव में अब पब्लिक क्या डिसाइड करती है इन तीनों स्टैंड पर, ये देखने वाली बात होगी। और सुप्रिया सुले के बारे में एक बात बोल दूं, सुप्रिया सुले का अभी अभी व्हाट्सएप स्टेटस एक आया है, उस व्हाट्सएप स्टेटस में उन्होंने बताया है कि पार्टी और परिवार हमारा टूट गया है, और उधर रामदास अठवले बयान दे रहे हैं कि NCP जब साथ आ ही गई है तो पूरी तरह साथ आ जाए, हम शरद पवार को भी मंत्री बनाएंगे, हम सुप्रिया सुले को भी मंत्री बनाएंगे, और प्रफुल्ल पटेल भी चाहेंगे तो उनको भी मंत्री बना देंगे, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं रामदास अठवले, उन्होंने ऐसा बयान दिया। इसी पे मतलब पवार और सुप्रिया सुले कैसे देखते हो, क्या अभी मतलब संभावना है
इस तरह की कि ये लोग एनडीए को ज्वाइन कर जाएं? नहीं, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुआ है, उसके बाद यहाँ उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सुप्रिया सुले का व्हाट्सएप स्टेटस, ये दोनों देख के लगता है कि एनसीपी टूट चुकी है। एनसीपी का ये हम कह सकते हैं कि अजीत धारा जाकर जा मिला है उनसे, भाजपा से और एनसीपी पूरी तरह से टूट चुकी है। मतलब हाँ, वही मैं कहना चाहता दो गुट हो चुके हैं पार्टी में। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, पवार जो है असली गेम खेल रहे हैं। हाँ, हाँ, और वो अभी एक फर्जी का, मतलब उद्धव ठाकरे हाँ, जिन पत्रकारों को ये आइडिया भी नहीं था, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन इसकी भनक किसी को नहीं थी, सच में पूछिए तो किसी को भी नहीं। तो अब उसमें से कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि जो बैठक हुई थी नरेंद्र मोदी की और शरद पवार की, तो उस बैठक में काफ़ी कुछ तय हुआ था। वो पार्लियामेंट हाउस में बैठक हुई थी, संसद भवन में, और संजय राउत ने खुद कहा था कि शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर बैठक की और मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उनसे मिल सकते हैं। और कुछ पत्रकार ऐसा लिख तो रहे हैं कि उस बैठक में सब तभी तय हो गया था। ये जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं ये लोग हमेशा शुरू में कुछ बोलेंगे, चाहे एग्जिट पोल टाइप का चीज़ आएगा उसमें बता देंगे कि हाँ यहाँ ये जाती है तो ये जीतेगा, हो जाता है कई बार उल्टा होता है उसका। उसके बाद बैठ के वो लोग जो हो गया उस पर एनालिसिस करते हैं कि नहीं ये इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा हो गया, इन्होंने ये जाति जो है उसके उस बयान के कारण पलट गई, और वो उसके बाद मतलब वो रिजल्ट को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप के स्टैंड को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वही शरद पवार वाले मामले में शुरू में कुछ बोल रहे थे, अब जो है सारी बात जो कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने उन्हें बिठाया और बोला कि हमारे पास तो ईडी है और हमारे पास सीबीआई है और आप देख लीजिए बुढ़ापे में आपको जेल जाना है, और फिर शरद पवार बोले कि नहीं मैं कुछ करता हूं और फिर जो है मैं अपने भतीजे के थ्रू गेम खेलूंगा और फिर आप रातों रात सरकार बना दीजिएगा। ये आज के बाद एक तो चीज तो पक्का हो गया कि किंग जो उद्धव ठाकरे किंग बन रहे थे और किंग मेकर शरद पवार, तो किंग और किंग मेकर दोनों ही लगभग साफ हो गए। अब अंत करना चाहूँगा अच्छे नोट पे, मुझे कुछ संजय राउत की कुछ पुरानी शायरियाँ हैं, मतलब एक महीने से संजय राउत तो मुशायरा ही चला रहे थे ट्विटर पे, और काफ़ी मतलब खूबसूरत शेर और अशार जो है आ रहे थे, तो कुछ कुछ उनके जो हैं आज सुबह में भी एक आया और लोग काफ़ी मज़े ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब संजय राउत जो है, लोग क्या मैंने ही कहा था कि दूसरा शेर जब तक ये ढूंढ रहे थे तब तक जो है सरकार ही बदल गई इनकी, तो उनके कुछ शेर जो है वो सब सुना होता कि हाँ, मतलब ये मैंने संजय राउत का कुछ किया है। सबसे पहले तो संजय राउत कार्टून पे उतरा है, बाल ठाकरे भी कार्टून बनाते थे, तो संजय राउत ने सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो कार्टून डाला कि एक शिव से बाघ जो है वो कमल का फूल सूंघ रहा है, बाघ है शिवसेना और वो कमल का फूल जो है वो है भाजपा का चिन्ह है। तो उसके बाद ये हाँ बाघ ने वो घड़ी हाथ में गले में और इसके जवाब में भाजपा ने भी कार्टून जारी किया था जिसमें था कि ये पट्टा लेके सोनिया गांधी चल रही है बाघ के गले में पहनाकर। तो इन्होंने ये सबसे पहले तो इन्होंने ट्वीट किया था, साहिब मत पालिए अहंकार को इतना, वक्त के सागर में कई सिकंदर डूब गए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था, उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ये उन्होंने उसूल की बात संजय राउत टाइप के आदमी कर रहे हैं, पार्टी जो है जिन उसूलों पे लड़ी थी, और उसी को हमारे बिहार के ही कवि है दुष्यंत, उनकी कविता इन्होंने ट्वीट की, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है फिर भी तुमको यकीन, ये दुष्यंत पे ही अड़े रहे ये। उसके बाद ये वसीम बरेलवी पे आ गए, थोड़ा सेक्युलर भी हुए, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं अतबार न करता तो और क्या करता, बंदे हैं हम उसके। अब ये फिल्मों पर भी उतरा, ये आमिर खान की धूम जो धूम 3 थी उसमें, बंदे हैं हम उसके हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। उसके बाद आप देखिए, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। उसके बाद ये भाजपा से उधार लिया इन्होंने, जो
अपने कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी की कविता इन्होंने डाली, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीचि हड्डियाँ गलाए, आओ फिर से दिया जलाए। और ये अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी नीचे लिखा इन्होंने कि ये वाजपेयी जी की कविता है। कभी कभी कुछ रिश्तों से बाहर आ जाना ही अच्छा होता है, अहंकार के लिए नहीं स्वाभिमान की, शायद इन्होंने कुछ कपल्स को सीख दी है। बताइए कि स्वाभिमान की बात ये लोग कर रहे हैं, संजय राउत टाइप के आदमी। हाँ तो ये ऐसे व्हाट्सएप पे ये चलता रहता है, ये जो प्यार में होते हैं जो कपल्स उन पे। हाँ हाँ हाँ, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इतिहास रच दिया गया, ये इनकी सुबह वाली। हाँ हाँ, ये सुबह वाली थी। तो इस तरह से ये सफर था उनका शायरी का, यानी वो दुष्यंत से शुरू हुए, उसके बाद बशीर बद्र से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुँचे, आमिर खान तक पहुँच गए, और फिर अंत में ये व्हाट्सएप की शेरो शायरी पर ही उतरा। इनका लेवल ऐसे गिरता चला गया लगा। वो काफ़ी दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय रहा ये। खैर अभी और मतलब गेम होना बाकी है, हो सकता है शाम तक में कुछ और नौटंकी हो, कुछ इस तरह की बात होती है तो हम आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार। जय शिवाजी।